नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों भाई, कुवैत हो या गल्फ कंट्री, कहीं पर भी हो, इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग, एशियाई लोग या फिर नेपाली, कोई भी एक्सपैट्रिएट हम मान सकते हैं, आप लोग वहां पे जाते हैं कमाने के लिए। जी हाँ साथियों, और यहाँ से जाते हैं तो माइंड में एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं कि भाई हमें काम करना है, कमाना है, उससे हमारे बच्चों को, परिवार को हमें फायदा मिलेगा, उनका लालन पालन अच्छी तरीके से हो सकेगा। लेकिन वहां जाने के बाद इंसान की सोच, माइंड पता नहीं कैसे बदल जाती है, उनकी कुछ की मजबूरियां हो जाती हैं, इस वजह से वो लोग वहां के जाके फंस जाते हैं। और उनको ये क्राइम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि भाई यूएई या फिर गल्फ कंट्री या फिर कुवैत कंट्री, ये इंडिया नहीं है या पाकिस्तान नहीं है, वहां सख्ताई के साथ हर चीज की वैल्यूएशन के आधार पर सजा मिल जाती है तुरंत प्रभाव से। जी हाँ, और कई बार लाले ऐसे पड़ जाते हैं, जिंदगी भर हमें तरसना पड़ जाता है इंडिया वापस आने के लिए या फिर अपनी कंट्री वापस आने के लिए। जी हाँ, यहाँ हम बात करेंगे दो टॉपिक पे, एशियाई, हालांकि ये अखबार है वहां के, वो नाम उजागर नहीं करते कि उस कंट्री का है, उस कंट्री का है, लेकिन एशियाई लिखा होता है। लेकिन क्राइम के मामले में पाकिस्तान सबसे ज्यादा है एशियन कंट्री में, एशिया के, पाकिस्तान के लोग भी सबसे ज्यादा क्राइम करते हैं, तो मैं जहां तक सोचता हूँ वही लोग निकल सकते। जी हाँ, बता दूं, वहां कुवैत में एक एशियाई को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ में और भी आदमी थे, उनको निर्वासित कर दिया जाएगा, लाइफ टाइम ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, वो कुवैत नहीं जा सकते। वो लोग क्या कर रहे थे, एक फैक्ट्री बना रखी थी पूरी इलीगल तरीके से, वहां पे टोटल महिलाओं के जो सामान बनते हैं, कपड़े, बैग, चमड़े के बैग, उनकी सैंडल वगैरह वगैरह, जो भी फैंसी सामान बनता है, टोटली नकली सामान बना रहे थे। जी हाँ साथियों, सामान बाहर से मंगवाते, चाइना से, चाइना मेड प्रोडक्ट को कंटेनर के माध्यम से उनको भी गिरफ्तार, उसको कंटेनर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसमें काफी सारा सामान जब्त हुआ। जी हाँ, और उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया, कोर्ट ने उनको निर्वासित करने के आदेश दे दिए सजा काटने के बाद, यानी कि सीधे वो अपनी कंट्री चले जाएंगे, नहीं जी, पहले सजा मिले। इसी तरह से दूसरे मामले बटापोड़ करते हुए, वहां पे काफी लोगों को गिरफ्तार किया नकली शराब बनाने के मामले में, हालांकि ये वर्कर नेपाली थे एक्चुअल में, अलराय वहां पे एक जगह कुवैत में, आप सबको पता अगर वहां पे रहते हैं, तो एक जो गवर्नमेंट पुलिस अधिकारी उधर से गुजर रहे थे, उनको लगा यहाँ पे कुछ दुर्गंध आ रही है, तो वहां उन्होंने जाके चेक किया तो शराब बन रही थी, शराब की भट्टियां वहां पे चल रही थी। फिर उनके पुलिस को छापा पड़ा, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए, तो वहां पे सब इलीगल वर्कर पाए गए जो बड़े पैमाने पे शराब का उत्पादन कर रहे थे। जी हाँ, फिर उनको वहां से पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब उनका भाई क्या है, कोर्ट सजा सुनाएगी, सजा काटने के बाद अपनी कंट्री लाइफ टाइम आ जाओ, बस ये है। तो भाई, कहने का शॉर्ट में तरीका ये, अगर आप जहां रहते हैं आपके साथ में कोई भी आदमी इनलीगल एक्टिविटी करते हुए आपके सामने वो कर रहा है, और आप उनके पास रह रहे हैं, आप उनके पड़ोस में रह रहे हैं, आपका नंबर आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके उनसे दूर रहें, उनकी शिकायत करके उनको वहीं से मामला रफा दफा करवा दें, वरना वोट के साथ घूंड फिसा जाता है। राजस्थानी लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।